दुर्गेश क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जानते हैं सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों से जुड़े अपडेट। स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं, पहले चरण में सक्षमता परीक्षा पास के शिक्षकों की विद्यालयों में होगी पदस्थापना। आगे देखते हैं, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना की समेकित नीति बनेगी। प्रस्तावित नीति के तहत पहले प्रथम चरण में सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नियोजित शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इस पर शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि राज्य में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना की नीति तैयार करने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शनिवार को कमेटी ने अपनी बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापना की प्रस्तावित नीति से संबंधित ड्राफ्ट को तय मानकों की कसौटी पर जांचा परखा। कमेटी की यह दूसरी बैठक थी। इसके पहले कमेटी की बैठक 11 जुलाई को हुई थी। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापना की प्रस्तावित नीति के साथ ही सरकारी विद्यालयों की अवकाश तालिका, बिहार शिक्षा सेवा के कैडर का पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी नीति भी तय करनी है। राज्य मुख्यालय से होंगे शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण। प्रस्तावित नीति में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय से किए जाएंगे। शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण में प्राथमिकता और पदों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की कमेटी के समक्ष सबसे बड़ी उलझन यह आ रही है कि पहले चरण में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पहले पदस्थापना होती है तो इसे खाली पद भरेंगे। ऐसे में शेष कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कितने पद बचेंगे, इसका समाधान निकालने में भी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी लगी हुई है। इसलिए कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की संख्या 187,818 है। इन शिक्षकों का पदस्थापन विशिष्ट शिक्षक के रूप में होना तय है। यह तो तय माना जा रहा है कि प्रस्तावित नीति के तहत होने वाले स्थानांतरण व पदस्थापन में दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो उन्होंने भी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सक्षमता परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं वो 187,818 है, उसमें भी स्थानांतरण में सबसे ज़्यादा जो दिव्यांग जो रोग से पीड़ित हैं या पति पत्नी हैं उनको थोड़ा सा वरीयता मिलेगा। और साथ ही हम दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पे इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले जो 187,818 सक्षमता परीक्षा जो दी है नियोजित शिक्षक उनका स्थानांतरण तो होगा ही, और साथ ही यह भी यहाँ पे विचार किया जा रहा है। अब जैसा कि आपने अभी न्यूज देखा, साथ ही बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण के विषय में बात चल रही है। जैसा कि यहाँ उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया है कि ऐसे में शेष कोटि मतलब कौन, यदि आप सक्षमता परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक के लिए उसके बाद शेष कोटि बीपीएससी शिक्षक ही बचेंगे तो उन शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कितने पद बचेंगे। उनके अनुसार जहाँ तक लग रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। और आगे की अपडेट और भी देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, जांच के लिए 4 स्थितियां बनाई गई है। सभी सर्टिफिकेट की मूल प्रति लाना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के उनके लिए देख लेते हैं। वेरिफिकेशन के समय सभी
के दस्तावेजों की जांच करनी है। इसके अंतर्गत चार प्रकार की स्थितियों का संभावित रखा गया है। आगे वो चार प्रकार कौन कौन से हैं, तो वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान कई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। और यहाँ देखते हैं आगे, सभी सर्टिफिकेट की मूल प्रति लाना है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, चाहे वो मैट्रिक का हो, स्नातक का हो, इत्यादि जो भी हो, सीटेट हो, बीटेट हो, उनको मूल प्रति ही लेकर वहाँ काउंसलिंग में जाना है। आगे देखते हैं, दो प्रखंडों और स्कूलों का विकल्प दे सकेंगे शिक्षक। आगे देखते हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने के पहले उनके किसी दो प्रखंड और कुछ स्कूलों का विकल्प मांगा जा सकता है। स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर गठित कमेटी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी है। यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि शिक्षकों से विकल्प लिए जाएंगे, प्रतिदिन पदाधिकारी इस पर मंथन भी कर रहे हैं, जिस पर जल्दी फैसला ले जाने की उम्मीद है। और आगे देखते हैं, आगे है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 462 शिक्षकों को स्पष्टीकरण नोटिस। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऐसे सरकारी शिक्षक जिन्होंने अब तक ई शिक्षा कोर्स पर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराया है, इसका खुलासा शनिवार को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया गया। विभिन्न प्रखंडों में 462 ऐसे शिक्षक पाए गए हैं जिन्होंने अब तक एक बार भी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण नहीं देने वाले शिक्षकों के नाम ई शिक्षा कोष पोर्टल से हटवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों में कमी है। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।